ओके दोस्तों, इस वीडियो को बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों के पास रहना चाहिए अलाइट मोशन। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना होगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाके आपको अलाइट मोशन ले लेना होगा। मैं आपको मोड भोजन दे दूंगा, वहां पर आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहां पर अलाइट मोशन का जितने मतलब यहां पर प्रोजेक्ट पैकेज है आपको, मतलब सॉन्ग बीट मार्क और सैक पैड, दोनों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हाउ टू डाउनलोड बीट मार्क प्लस का इफेक्ट, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अलाइट मोशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सॉन्ग बीट मार्क बाय बिना स्टेटस चेक और यहाँ पे सैक इफेक्ट आपको ये दो चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सैक इफेक्ट आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितने टोटल लगने वाले हैं। यहाँ पर आपको टोटल 9 इफेक्ट लगने वाले हैं। कैसे कैसे लगेंगे बहुत ही आसान है, लगाना बहुत ही आसान है, वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से दोनों को क्लिक नहीं करेंगे, सबसे पहले प्लस से क्लिक करेंगे इधर और यहाँ पे 9.16 के रेसिव में एक फोटो ले लेंगे। क्रेडिट पॉइंट पर क्लिक कर दिए, प्लस से क्लिक करें, मीडिया जाएगा, कोई भी मतलब अदरवाइज फोटो लेना है, 3 क्लिक करके इसको फिल कर, एरे क्लिक करके इसको एकदम बीचों बीच करके यहाँ पे बैक करके उसके बाद यहाँ पर शेयर का क्लिक करना, इसको फ्रेम SPNG कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेम SPNG करने के बाद क्या करेंगे, सेव कर लीजिए इसको, बैक कर देंगे और ये न्यू प्रोजेक्ट जो बन जाएगा इसको हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए हम लोग सॉन्ग बीट मार्क में आ जाएंगे दोस्तों। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद इस प्रकार से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको 1-2 सब चीज़ लिख के दे दूँगा। मात्र आपसे क्या बोला था कि मतलब हम आपको फुल प्रोजेक्ट रेडी करके देंगे, मात्र आपको 3-4 मिनट वीडियो को मेरा वॉच करना है, नहीं तो आगे से मैं फुल प्रोजेक्ट रेडी करके आपको नहीं दूंगा, ठीक है। पहले ही हम आपको बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ से प्लस का क्लिक करेंगे, फर्स्ट में मीडिया जाकर यहाँ पर फोटो लेना है, फोटो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यहाँ फोटो लेंगे, 3 क्लिक करके यहाँ पर फिर से एरिया क्लिक करके आगे वाला 3 क्लिक करके बच्चों को बाकी स्वाद कार्ड से कट करना है। फिर से प्लस क्लिक करें, मीडिया जाकर अदर जैसे फोटो लेंगे, 3 क्लिक करके इसको फिर से एरिया क्लिक करके आगे वाला 3 क्लिक करके बच्चों को बाकी इस प्रकार से कट करना है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको सारे बीट के हिसाब से कट कर लेना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। फोटो पहले लगा लीजिए, नहीं तो फोटो बिना फोटो लगा के बताएंगे तो वीडियो मतलब आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, मेरे को भी समझ नहीं आएगा तो आपको क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों पहले आप फोटो लगा लीजिए, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं लगा के आता हूँ। तो ओके दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सारे बिट के हिसाब से इस प्रकार से फोटो लगा के आ चुका हूँ। आपको भी इसी प्रकार से सारे फोटो लगा के आना था, ठीक है, आप लगा लिए होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फोटो नहीं लगाना था, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको ये मिल रहा है यहाँ पर बिना स्टेटस टेक, आपको यहाँ पर अगर लगाए होंगे तो इसको पकड़ के डिलीट मार दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, 1, यहाँ से बैक करके सेकंड फिट में चले जाएंगे और दोस्तों ऊपर के स्क्रॉल करके जो आपको फर्स्ट लाइक फिट मिल रहा है इस पर क्लिक करके, फिर पर क्लिक करके यहाँ पर 3 आइकन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी फिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे, उसको बैक कर देंगे। बैक करने के बाद आपको यहाँ से पूरा बैक करना है, उसको सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना होगा, आपको ऊपर के स्क्रॉल करना है दोस्तों, और जो यहाँ पे 1 मिल रहा है यहाँ पे आपको एकदम सीधे सबको सिखाई में आपको एक फोटो मिल गया, इसको क्लिक करके आपको इसको पेस्ट पे कर देना होगा। पेस्ट पे जैसे ही करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 2, इसके लिए हम लोग बैक कर देंगे और यहाँ पर सेकंड इफेक्ट में चले जाएंगे। ऊपर के स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे इफेक्ट वाले पर क्लिक करके, इफेक्ट पर क्लिक करके इसको हम लोग कॉपी फेट कर लेंगे दूसरे इफेक्ट को। उसके बाद यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क में आ जाएंगे और ऊपर के स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 2, ठीक है। ये लेयर आपको यहाँ तक लगाना है, मतलब कि 57.13 तक आपको लगाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और 7.13 तक ख़त्म करना है। तो यहाँ पे फोटो लेना है, 3 क्लिक करके इसको हम लोग का पेस्ट पे कर देना है, फिर से आगे मतलब इसी प्रकार से आपको पेस्ट पे ये वाला काम आपको इस लेयर तक कर देना है जहाँ तक ये गया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा, बैक करके सेकंड इफेक्ट में चले आएंगे और यहाँ पर आपको 3 वाला इफेक्ट पर क्लिक करके कॉपी कर लेना होगा। यहाँ पर 3 वाला इफेक्ट को यहाँ पर जैसे ही कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वाला जो इफेक्ट को कॉपी कर लीजिए, बैक करके आपको यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना होगा। फिर से आपको यहाँ पर जो आपको 3 वाला इफेक्ट मिल रहा है यहाँ पे आपको लगाना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे के स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पे फोटो पर क्लिक करके, इफेक्ट पर क्लिक करके इसको हम लोग को पेस्ट पे कर देना होगा। फिर से आगे भी इस प्रकार से पेस्ट पे, मतलब आपका जहाँ तक ये लेयर जाएगा तीसरा इफेक्ट के यहाँ तक लगा देना होगा। फिर आपको क्या मिल रहा है, 4, इसके लिए हम लोग बैक करके आपको यहाँ पे सेकंड इफेक्ट में चलाएंगे, ऊपर के स्क्रॉल 1, 2, 3 इस 4 वाला इफेक्ट है, इस पर क्लिक करके, इफेक्ट पर क्लिक करके इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बैक करके आपको यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना, ऊपर के स्क्रॉल करके आपको देखना पड़ेगा 4 कहाँ लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद जो हमारा काम है ऊपर के स्क्रॉल करना, और इसके बाद हम लोग का ये काम बाद में करेंगे। उसके बाद फिर आपको 3 मिल रहा है, तो इधर आपको बैक कर लेना है, यहाँ पर इधर आ जाना है। और आपने यहाँ पर देखेंगे 3 इफेक्ट लगाए हैं, तो इसी को आप कॉपी कर लीजिएगा इफेक्ट को, यहाँ पर 3 वाला इफेक्ट को कॉपी करने के बाद ऊपर के स्क्रॉल करके आपको अब देखना है कि साला 3 इफेक्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे और इस पर क्लिक करके इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट पे कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया ऊपर के स्क्रॉल करके। फिर से आपको देखिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर आप बैक इधर आएंगे सही लेफ्ट में, तो यहाँ पर आपको 4 इफेक्ट आपने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करके इसको हम लोग कॉपी करके ऊपर के स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर आप लोग इसको पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको ऊपर के स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर देंगे 5 है, तो यहाँ पर 5 वाला इफेक्ट मतलब बैक करके यहाँ पर एक बार और बताता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर जो 5 वाला इफेक्ट है, इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा 5 वाला। ठीक है, उसको सॉन्ग बीट मार्क में आज के ऊपर के स्क्रॉल करके आपको इस प्रकार से ऊपर के स्क्रॉल करेंगे और देखना पड़ेगा कि 5 कहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 है, तो यहाँ पर मतलब कि 5 वाला इफेक्ट हमारा लगेगा। तो फोटो बुली करके इसको पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जहाँ जाएँ अब 5 यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक लगा लीजिए। उसको फिर से 3 इफेक्ट को कॉपी करके लगा लेना है, फिर 4 वाला इफेक्ट को लगा देना है, फिर आपको यहाँ पर 6 इफेक्ट लगाने के लिए बैक करके आपको जो 6 नंबर पे फोटो रहेगा उसको कॉपी करके यहाँ पे लगा देना होगा। इसी प्रकार से 7 भी लगाना है, और इसी प्रकार से 8 भी लगाना है, इसी प्रकार से 9 भी लगाना है। तो आपको उम्मीद है कि मुझे कि आप लोग यह प्रकार मतलब इस प्रकार से लगा लेंगे। और यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करके कलर स्क्रीन पर जाके आपको ये वाला आइकन सेलेक्ट रहेगा, आपको ये वाला आइकन सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके ही आपको यहाँ पर मेरा YouTube का नाम आ जाएगा विनय स्टेटस टेक। तो इसमें फ़ोटो अपना कैसे लगाना है, तो इस पर क्लिक करके आपको जो 16.9 करेंसी में जो फ़ोटो आपने लिया है, यहाँ पर आपको गैलरी का फोटो शो मतलब नाम शो होगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर अलाइड मोशन के फोल्डर में आ जाएंगे और यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो बहुत ही ईजी स्टेप में लग गया। तो आपको वीडियो कैसे लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों सारा इफेक्ट लगाने के बाद मतलब आपने मान लीजिए लगा लिया, उसके बाद यहाँ पर शेयर का आइकन क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना, आपका वीडियो एकदम बन के परफेक्टली तरीका से रेडी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता के जाना।